और अब T20 वर्ल्ड कप में सुपर एट का सिलसिला शुरू होगा। सुपर एट में दो ग्रुप टीमें होंगी, ग्रुप ए में चार टीमें, ग्रुप बी में चार टीमें। भारत को ग्रुप ए में रखा गया है, भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया होगा, तो वहीं अन्य टीमें अब तक तय नहीं हो पाई हैं। कल भारत का कनाडा के साथ मुकाबला है, तो आज आयरलैंड का अमेरिका के साथ। अब इन दो मुकाबले के साथ कौन सी टीम सुपर एट में पहुंच सकती है, सुपर एट में भारत किससे भिड़ेगा, क्या संभावना है, देखिए। भारत तैयार, बदला लेंगे इस बार। 23 का हिसाब, 24 में ऑस्ट्रेलिया साफ। सुपर एट में हराएंगे, सेमीफाइनल में जाएंगे। भारतीय टीम अपने तीन लीग मैच खेल चुकी है, कल आखिरी लीग मैच कनाडा के साथ खेलेगी। इरादा जीत के साथ सुपर एट में पहुंचने का होगा। भारत के दो स्टार बल्लेबाज हिटमैन रोहित और किंग कोहली चाहेंगे कि कल बल्ले से रन निकलें और सुपर एट में एक पॉजिटिव माइंड के साथ पहुंचें, क्योंकि कल पिच भी अलग है और दोनों खिलाड़ी T20 के माहिर खिलाड़ी हैं। दोनों ने इससे पहले फटाफट क्रिकेट में ताबड़तोड़ रन बनाए हैं, इस बार फिर वही इरादा होगा। विश्व कप में जो रन का सूखा है उसे खत्म कर आगे बढ़ने का। दोनों के T20 के आंकड़े देखकर यही लगता है कि दोनों खिलाड़ी ज्यादा दिनों तक बल्ले से खामोश रहने वाले नहीं हैं। रोहित शर्मा ने अपने T20 करियर में कई बेहतरीन पारी खेली हैं। रोहित शर्मा ने 154 T20 में अब तक 4042 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट करीब 139.7 रहा। रोहित शर्मा अब तक 154 T20 में 194 छक्के लगा चुके हैं और छक्कों की डबल सेंचुरी से सिर्फ 6 कदम दूर हैं। वहीं दूसरी तरफ किंग कोहली का T20 रिकॉर्ड भी सुपर एट की टीमों को डराएगा। विराट कोहली ने 120 T20 मैच में 137.9 स्ट्राइक रेट से 4042 रन बनाए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड ये कह रहा है कि बस एक पारी की जरूरत है और फिर विपक्षी टीमों को पता चल जाएगा कि आखिर क्यों इनसे खौफ में रहना चाहिए। वैसे कल मौका होगा इन दोनों खिलाड़ियों के पास लय में लौटने का और रनों की बरसात करने का। दूसरी तरफ सुपर एट के लिए भारत के ए ग्रुप में तीन टीमें तय हो चुकी हैं। भारत 20 जून से अपने सुपर एट के मुकाबले की शुरुआत करेगा। ये मैच वेस्टइंडीज में खेले जाएंगे, जहां पिच से स्पिनर्स और बल्लेबाजों को भी मदद मिलती है। भारत का सुपर एट में पहला मैच 20 जून को बारबाडोस में अफगानिस्तान के खिलाफ होगा। इसके बाद टीम इंडिया सुपर एट में अपना दूसरा मैच 22 जून को ग्रुप डी की दूसरे नंबर की टीम से भिड़ेगी, जो अभी तय नहीं है। ये मुकाबला एंटीगुआ में खेला जाएगा। भारत का तीसरा मैच सेंट लूसिया के मैदान में ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच 24 जून को खेला जाएगा। इसके बाद टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मैच 26 जून को और दूसरा सेमीफाइनल 27 जून को खेला जाएगा। फाइनल मैच 29 जून को होगा। अब भारत को अपनी रणनीति बदलनी होगी, क्योंकि वेस्टइंडीज का मैदान कुछ अलग रंग दिखा रहा है। वर्ल्ड कप में अभी तक जितने मुकाबले वेस्टइंडीज में हुए हैं, सारे मुकाबले में स्पिनर्स का बोलबाला रहा। मतलब अब मैच का अंदाज बदला नजर आएगा। वहां की पिच की क्या रिपोर्ट है, समझिए। बल्लेबाजों के लिए मददगार है पिच। पहली पारी का औसतन स्कोर 180 रन, दूसरी पारी में औसतन स्कोर 160 रन। पिच से स्पिनर्स को फायदा, पहले बल्लेबाजी करना आसान। ये वही मैदान है जब 20 जून को भारत अफगानिस्तान के खिलाफ भिड़ेगा। इसके बाद भारत का 22 जून को मुकाबला होगा। टीमें तय नहीं हुई हैं, लेकिन मैदान तय है। मैदान है एंटीगुआ का सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम। एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स की पिच रिपोर्ट। बल्लेबाजों के लिए मददगार है पिच। इस पिच पर हाई स्कोरिंग मैच। दूसरी पारी में बल्लेबाजों को मदद, पहली पारी में तेज गेंदबाजों को मदद। टॉस जीतने वाली टीम गेंदबाजी पसंद करती है। और अब उस पिच की जिस पर बदले की लड़ाई होगी। 2023 वनडे विश्व कप के फाइनल का बदला लिया जाएगा। भारत 24 जून को ऑस्ट्रेलिया से सेंट लूसिया के मैदान में भिड़ेगा। अगर भारत अपने पहले दोनों मुकाबले अफगानिस्तान और दूसरे मुकाबले में उम्मीद है कि बांग्लादेश के साथ भिड़ेगा। अगर जीतता है तो फिर सेमीफाइनल का रास्ता साफ हो जाएगा। मतलब साफ है, भारत का सेमीफाइनल खेलना लगभग पक्का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
तो क्या कुछ मैचों को लेकर हुआ है वो हमने आपको बताया, पिच रिपोर्ट भी हमने आपको बताई, और बेहतर तरीके से समझने के लिए न्यूज रूम आपको लिए चलेंगे। वैभव हमारे साथ आपको नजर आ रहे होंगे, वैभव के पास लिए चलेंगे। वैभव, क्या कुछ चुनौतियां आने वाले दिनों में टीम इंडिया को लेकर नजर आती हैं? फिर बल्लेबाजी पर एक सवाल होगा। वैभव, काफ़ी सारी होंगी क्योंकि जिस तरीके से पूरा ये विश्व कप घटा है, कहीं ना कहीं आप देखें कि गेंदबाजों का ज़्यादा बोलबाला रहा है, बल्लेबाजी का बोलबाला उतना रहा नहीं है। और भारतीय टीम की बल्लेबाजी भी कह सकते हैं कि उतनी बेहतर इस वक्त तो नहीं है, क्योंकि विराट कोहली रन नहीं बना रहे, रोहित शर्मा के बल्ले से उस तरीके के रन नहीं निकले, सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे के बल्ले से भी पिछले मुकाबले में जाकर रन निकले। तो कहीं ना कहीं यही एक कुछ चुनौतियाँ होंगी जिनका सामना करना होगा। और जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ हो सकता है कि मुकाबले हों और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ हों, तो एक ये भी चीज़ नज़र में रखनी होगी क्योंकि हमने इस पूरे विश्व कप में देखा है कि जो छोटी टीमें हैं या जो छोटे देश हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। आप देखें कि इंग्लैंड क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा बहुत मुश्किल है उसके लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है, श्रीलंका बाहर है मेरा ख्याल है, बिल्कुल श्रीलंका बाहर है, न्यूजीलैंड देखिए। तो ये बड़ी बड़ी टीमें जब क्वालिफाई करने के लिए इनको इतने परेशानी आ रही है, तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि चुनौतियां होंगी। किसी भी छोटी टीम को हम छोटा नहीं समझ सकते, इसलिए ऑस्ट्रेलिया वाला मुकाबला तो बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि वो जो जख्म है उसका बदला लेने की कोशिश थोड़ी बहुत तो ज़रूर रहेगी। और जो छोटी टीम है उनको भी अगर ढंग से उनके साथ मुकाबला खेलने की कोशिश हो और अच्छे मार्जिन से जीतें, और क्योंकि जब छोटी टीम होती है तो हम ये भी कोशिश करते हैं कि हमारे जो बल्लेबाज हैं उनको ज़्यादा मौका मिले, उनको ज़्यादा रन बनाने का मौका मिले ताकि उनका आत्मविश्वास और बढ़ जाए। तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऊपर सूर्य कुमार यादव, इन सबके लिए मौका होगा कि अच्छे रन बनाकर अच्छा फॉर्म रखें। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि सुपर एट में जो अफगानिस्तान के स्पिनर्स हैं उनसे कैसे निपटा जाएगा? वैभव, बिल्कुल उनके यही बात मैं कर रहा था ना, क्योंकि गेंदबाजों का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहा है, राशिद खान जब गेंदबाजी करते हैं या फिर नूर अहमद जब गेंदबाजी करते हैं और भी कई गेंदबाज, नबी जब गेंदबाजी करते हैं, ये सब ऐसे गेंदबाज हैं जो कठिनाई पैदा करते हैं बल्लेबाजों के लिए, चुनौतियाँ कड़ी बल्लेबाजों के सामने पेश करते हैं। और इसी वजह से मैं जिक्र कर रहा था कि जो छोटी टीम है उसको भी आप लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि ये बड़ा टूर्नामेंट है, हमने देख लिया कि बड़ी बड़ी टीमें क्वालिफाई नहीं कर पाई, उनको दिक्कत हुई क्वालिफाई करने में। तो इसीलिए अच्छी मजबूत बल्लेबाजी बहुत ज़रूरी है। और ये जो प्रश्न चिन्ह लगातार खड़े हो रहे हैं, चाहे रोहित शर्मा की बल्लेबाजी पर हो, चाहे विराट कोहली की बल्लेबाजी पर हो, या इसके पहले सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे की बल्लेबाजी पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे, तो मेरा ये मानना है कि कोई बल्लेबाज या कोई भी खिलाड़ी दो या तीन मुकाबलों से आप उसको जज नहीं कर सकते, क्योंकि विराट कोहली तो बड़े मैचों के प्लेयर हैं। किसी बड़े मैच में आप विराट को लेकर, वैभव, सोशल मीडिया पर या हर जगह ये भी कहा जा रहा है कि ये शायद T20 में उनका सबसे खराब प्रदर्शन है, 1-4-0 बाकायदा ऐसा लिख कर दिखाया जा रहा है। हालांकि IPL में उनके बल्ले से बड़े रन बरसते हैं, वहाँ पैसा भी बरसता है। विराट को लेकर बहुत सारी वो सवाल है कि 3 नंबर पर ही क्यों नहीं, इस तरह की बातें भी। वैभव, बिल्कुल, देखिए ये 3 नंबर वाली जो बात ललित आप कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इसके पहले वो 3 नंबर पर ही हमेशा बल्लेबाजी करते हैं, ये IPL से ही ये कल्चर डेवलप हुआ कि विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए ओपन करते थे, और इस साल भी जो सीज़न हुआ उसमें भी उन्होंने ओपन किया और खूब सारे रन भी बनाए, ऑरेंज कैप भी काफ़ी समय तक उनके पास थी। तो ये एक चीज़ के कारण रहा होगा कहीं ना कहीं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपन करें, एक्सक्लूसिव बल्लेबाजी करें, टीम को अच्छा स्टार्ट दें, उसके बाद ऋषभ पंत को जगह दी, क्योंकि नीचे जब ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं था। अब विराट कोहली के आपके सवाल पर वापस आता हूँ ललित, क्योंकि विराट कोहली जो है ना वो बड़े खिलाड़ी हैं, ये मान सकते हैं ये, और ये कहा भी जा रहा है कि उनका जो ये प्रदर्शन है वो काफ़ी ख़राब प्रदर्शन रहा है अभी तक पूरे T20 वर्ल्ड कप्स जो हम उठा के देखें तो। लेकिन विराट कोहली वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने जितनी बार उनके फॉर्म पर जब सवाल चिन्ह खड़े हुए, उनके प्रदर्शन पर सवाल चिन्ह खड़े हुए, तो उन्होंने हमेशा वापसी की, उन्होंने हमेशा कमबैक करा। और विराट कोहली जो है बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, और बिल्कुल आप आशा रखिए तो नहीं कि वो इंतज़ार कर रहे हो कि भैया आप लोग सवाल उठा लो तब मैं अपना बल्ला अपने तरीके से उठाता हूँ। खैर, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, अभी आपने जख्म का जिक्र भी किया था ऑस्ट्रेलिया, तो इस परफॉर्मेंस को देखकर अभी तक तो बहुत तेज़ी से टीम इंडिया आगे बढ़ रही है, मेरा ख्याल है कनाडा से हार जीत का कोई फर्क सुपर एट में पड़ेगा भी नहीं, पॉइंट्स टैली में भी इंडिया आगे, तो इस परफॉर्मेंस को देखकर लग रहा है जिस जख्म की आप बात कर रहे थे वो जख्म पे मरहम लग पाएगा ऑस्ट्रेलिया को लेकर, मेरा सवाल। वैभव, देखिए जो आप जख्म की बात कर रहे हैं, जख्म बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि मरहम लगेगा उस जख्म पर, क्योंकि टीम जो है ना ये कंप्लीट पैकेज टीम है। आप देखिए ओपन में विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, रन डाउन ऋषभ पंत, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, उसके बाद हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल हैं,
आप ये चीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि कोई भी टीम जब मैच जीतती है तो कम से कम 3-4 बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में होने चाहिए और 2-3 गेंदबाज अच्छे फॉर्म में होने चाहिए। और जब कोई टीम जीतती है ना तो उसमें जो प्रमुख जो गेंदबाज होते हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है, और वही देखने को मिल रहा है, चाहे जसप्रीत बुमराह हो, अर्शदीप सिंह हो, अक्षर पटेल ने उस दिन पाकिस्तान के खिलाफ कितना बेहतरीन ओवर फेंका था। तो गेंदबाजी जो है वो भारतीय टीम की अच्छी नज़र आ रही है। आप देखेंगे तीनों मैन ऑफ द मैच जो है वो गेंदबाजों के पास ही हैं, तो गेंदबाजी अच्छी नजर आ रही है। और जब आपकी गेंदबाजी अच्छी होती है तो बल्लेबाजों को भी एक एक्स्ट्रा इंच मिलता है कि अगर वो थोड़ा खराब प्रदर्शन कर भी दें तो गेंदबाज उसको बचा सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर गेंदबाजी अच्छी नहीं है तो फिर आप कितने भी रन बना लीजिए वो कंसीड कर देंगे गेंदबाज। ठीक ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वैभव इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वैभव विस्तार से हमें समझा रहे थे, डिकोड कर रहे थे क्रिकेट के मामले। इधर भारत ने अमेरिका के खिलाफ जीत तो दर्ज कर ली, सुपर एट में भी पहुंच गया, और जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे थे अभी वैभव से भी, वो है भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन, खासतौर पर कप्तान किंग कोहली और इनको लेकर जो जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं। रोहित विराट फेल, कैसे होगा खेल, सूर्या और दुबे की धीमी पारी, बल्लेबाजों की वजह से मुसीबत भारी। ऐसे कैसे चलेगा, हम विश्व कप खेलने गए हैं, कोई गली का क्रिकेट नहीं। बल्ले से न चौके लग रहे हैं और न छक्कों की बरसात हो रही है, रन का सूखा पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि विश्व के दो सबसे बड़े धुरंधरों ने सरेंडर कर दिया है। बात हो रही है भारतीय बल्लेबाजों की, न कोहली अपना विराट खेल दिखा रहे हैं और न हिटमैन चौके छक्कों की बारिश कर रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में 3 मुकाबले हुए लेकिन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से रन नहीं निकले। रोहित शर्मा और विराट कोहली के T20 वर्ल्ड कप 2024 का रिकॉर्ड देखिए। रोहित शर्मा ने 3 मैच में सिर्फ 68 रन बनाए हैं, उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे और यही वजह है कि भारतीय टीम बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पा रही। तो वहीं विराट का भी कुछ ऐसा ही हाल है, कोहली ने 3 मैच में सिर्फ 5 रन बनाए हैं, इसमें 2 मैच में वो बिना खाता खोले आउट हुए हैं। जिस तरह भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी नाकामयाब साबित हो रही है, ये सुपर 8 के लिए चिंता का विषय है। सुपर 8 में बड़ी टीमें होंगी तो कैसे काम चलेगा। शिवम दुबे को भी मौका मिला लेकिन कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे हैं। जडेजा जो T20 के लिए जाने जाते हैं, न बल्ले से रन निकाल रहे हैं और न गेंद से विकेट। सूर्य कुमार यादव ने एक पारी अच्छी खेली लेकिन इतनी धीमी कि फटाफट क्रिकेट यानी T20 के लिए ये पारी नहीं है। बल्लेबाजों की लगातार नाकामयाबी टीम के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। अब सवाल ये भी है कि कहीं गलत टीम का चयन तो नहीं हो गया, या फिर टीम में जायसवाल है तो फिर उन्हें मौका क्यों नहीं मिल रहा। सैमसन तो भी है, टीम के कप्तान उनकी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं। क्या ऐसे विश्व कप जीता जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।